हाय एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं सिंगी मछली। सिंगी मछली खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर हम सिंगी मछली लिए हैं, यह 700 ग्राम है और इसमें हम नमक डालकर अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धो दिए हैं। अब हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। इस हल्दी और नमक को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करके रख देंगे। चलिए हम मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ हम मसाले में एक लहसुन, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों, चार हरी मिर्च और एक प्याज ले लिए हैं। अब हम सारे मसाले को मिक्सर के जार में डालकर अच्छी तरह महीन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम एक टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मछली डालेंगे। एक तरफ मछली अच्छा लाल हो चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। मछली को अब दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। यहाँ मछली लाल हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में बचे हुए मछली को हम एक एक करके फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ हमारा सारा मछली फ्राई हो चुका है, अब हम इस मछली को एक एक करके सब प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमारा सारा मछली तला गया है, अब हम इस बचे हुए तेल में पिसे हुए मसाले डालेंगे। अब इस मसाले को हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। मसाला चलाते हुए 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हम पहले मछली में भी नमक डाले हुए हैं। अब कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। भूनते भूनते तेल छोड़ दें, तब तक हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है और अच्छी तरह भून चुका है। इसे हम और 2 मिनट भूजेंगे। अब हम इस मसाले में कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। धनिया थोड़ा भूनते भूनते सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारा मसाला भुना चुका है और अच्छी तरह खुशबू दे रहा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी उबल जाने के बाद अब हम इसमें भुने हुए मछली डालेंगे। एक एक करके हम सारा मछली को इस झोल में डालकर अच्छी तरह पकाएंगे। 5 मिनट तक इसे अब हम ग्रेवी के साथ पकने देंगे। यहाँ हमारा मछली 5 मिनट हो चुका है, यह मछली अब तैयार है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इस तरह से आप एक बार यह मछली ज़रूर बना कर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।